आगरा पुलिस ने महज 6 घंटे में 114 वांछित और वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनमें से 14 अभियुक्त वांछित थे जबकि 100 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी थे। एसएसपी के निर्देशन में पुलिस टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जिले के सभी थानों से पुलिस की 80 टीमों को गठित किया गया था। इन टीमों ने शुक्रवार रात को वांछित और वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ अभियान चलाया। जिले भर में 6 घंटे तक चले इस कार्यवाही में 114 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा 16 अभियुक्त थाना मलपुरा से, थाना लोहा मंडी से 10 और थाना अचनेरा से 9 वारंटी पकड़े गए। गिरफ्तार अभियुक्तों का मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से सभी को जेल भेजा जाएगा। देखिए 12 और 13 जुलाई 2019 की रात्रि को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो अभियान चलाया गया था, उस अभियान में अवांछित और वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अभियान था, जिसमें जनपद के सभी थाना प्रभारियों ने और उनकी टीमों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अभियान के दौरान कुल 114 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 14 वारंटी है, बाकी 14 वांछित अभियुक्त हैं और बाकी वारंटी हैं। और इस जो है इस अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मलपुरा थाने के द्वारा किया गया है। उसके बाद जो है उनके द्वारा 16 गिरफ्तारी, लोहा मंडी के द्वारा 10 गिरफ्तारी और थाना अचनेरा ने जो है 9 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। तो इन तीनों थाना शिक्षकों को जो है इनके उत्तम कार्यशैली और इफेक्टिव अभियान के दौरान इफेक्टिव प्रदर्शन के लिए काफ़ी सराहा गया है। और जो है श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है इनकी तारीफ भी माना जाए। देखिए हमारा सतत प्रयास रहेगा, या तो अपराधी यहाँ रहे नहीं, अगर रहें तो सिर्फ जेल के अंदर। सर मलपुरा में कुछ ज्वारी भी बताई जा रही है, वारंटी का? देखिए हमारे यहाँ टारगेट जीरो क्राइम का है, जीरो टॉलरेंस फॉर वारंटी, और हमारे यही टारगेट जीरो टॉलरेंस। जैसा पिछली बार भी बताया गया था, हम लोग रेगुलर अभियान चलाते रहेंगे, समय समय पे जो है आकस्मिक रूप से घोषणा करके, बिना बताए हुए, बिना जो है डिक्लेयर किए हुए, एकदम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ जो है अपराधियों को पकड़ते हैं। देखिए उनका ओबीसी जब कोई अच्छा प्रदर्शन करता है सबकी नज़रों में आता है, और उस हिसाब से उसका जो है उसका सम्मान भी होता है, उसके बारे में तारीफ भी होती है, उसके अच्छे कामों की आवश्यकता भी होती है।